हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 11 व्हिच इज वर्क एंड एनर्जी सो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की सो वर्क एक काफी सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है बहुत बार सुना हुआ है भाई अगर हम कुछ भी कर रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं खाना खा रहे हो क्या कर रहे हो मैं कुछ काम कर रहा हूँ आप पढ़ रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ हम काम करना कितनी बार रिपीट करते हैं और काम करना ही बेसिकली वर्क करना होता है लेकिन जब हम साइंस में बात करते हैं तो साइंस हमारे हर काम को वर्क की तरह ट्रीट नहीं करता तो अब साइंस किस चीज़ों को काम मानता है लेट्स सी सो पहले पढ़ लेते द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन मे वेरी इन रियल लाइफ एंड साइंटिफिकली सो रियल लाइफ में जो हमारी वर्क करना और साइंटिफिकली वर्क करना दोनों में डिफरेंस है कैसे फॉर एग्जाम्पल वी मे कंसिडर स्टडिंग टॉकिंग सिंगिंग रीडिंग एज वर्क बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ साइंस लेकिन साइंस के हिसाब से ये काम करना नहीं है तो भाई साइंस के हिसाब से क्या है काम करना एग्जाम्पल

वर्क के कुछ काम हुआ है सो इन ऑल दीज सिचुएशन वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज देन चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब यहां पे क्या हो रहा है पहली बात तो इन तीनों ही चीजों में जितने भी साइंटिफिक वर्क है फोर्स अप्लाई होगा सो पहली बेसिक चीज अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाए रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाए इस तरह से आप उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो तभी सिर्फ कंसिडर होगा कि वर्क किया गया है सो so, आगे देखते हैं इसको हम सो वी कैन कंक्लूड दैट वर्क इज डन इफ एंड ओनली इफ अ फोर्स इज अप्लाइड मतलब फोर्स अप्लाई किया गया है इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस डिस्प्लेस मतलब मूव हुआ है फ्रॉम वन प्लेस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी हम कंसिडर करेंगे कि वर्क डन हुआ है दीज आर कॉल्ड कंडीशंस ऑफ वर्क डन सो ये समझ में आ गया कि साइंस के हिसाब से वर्क तभी माना जाएगा जब कोई फोर्स लगाया अपने ऑब्जेक्ट पे एंड उस फोर्स की वजह से उसकी स्टेट चेंज हुई है ठीक है ये समझ में आ गया साइंस के हिसाब से वर्क डन क्या होता है अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मुले के हिसाब से समझेंगे बट वील सी दिस इन दी नेक्स्ट सेयर एंड